एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 यूजिंग डिवीजन मेथड कैसे पता करें अभी हम सीखेंगे। अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आसान तरीके से समझने वाले हैं। अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करें। इनको एक साथ लिख दें इस प्रकार से। उसके बाद आपके जो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 इत्यादि, ठीक है, इनसे हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो मैं 2 से शुरुआत करूंगा। मैंने यहाँ पे देखा 2 का डिवाइड हो रहा है कितना, 1, 2 में 6 टाइम। यहाँ पे आपको दिक्कत है तो साइड में लिख के देख सकते हैं, जितना टाइम आपका डिवाइड हो रहा है उसको जस्ट नीचे लिखना। ध्यान रखें डिवाइड क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखो 9 में 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, इसको जैसा है वैसे आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अगेन देखो 6 में 2 का डिवाइड हो रहा कितना, 3 टाइम, 9 को अगेन आगे शिफ्ट कर दिया। अब देखो 2 का डिवाइड इसमें भी नहीं हो रहा है ना इसमें हो रहा है, तो मैं 3 के पास गया। तो यहाँ 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम, 9 में कितना, 3 टाइम। अब देखो 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम और ये आपका ऑलरेडी 1 आ चुका है। एलसीएम क्या है दोस्तों, ये जो फैक्टर आए हैं इनका मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 2 आपका कितना, 2 टाइम, और 3 भी 2 टाइम, मल्टीप्लाई किया कितना, 36 आ गया। यानी एलसीएम कितना है आपका, यहाँ पर इनका 36 है। देखो एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 36 9 से भी डिवाइड हो रहा है कितना, 4 टाइम, 1, 2 से डिवाइड हो रहा कितना, 3 टाइम, 12, 3, 36 और 9, 9, 36, ठीक है। तो इस तरह से है जो हमने अपना एलसीएम निकाला। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, और अच्छी प्रैक्टिस के बाद दोस्तों आपको ये निकालना ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट पता लगा लेंगे कि इसका एलसीएम ये होने वाला है। थैंक यू।